जय हिंद दोस्तों, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, स्लॉट नहीं बुक हो रहे हैं, स्लॉट कब बुक करें, और जो स्लॉट मिल भी रहे हैं वो मिनिमम 30 डेज़, 45 डेज़ के बाद में मिल रहे हैं, तो हम क्या करें कि हमारे स्लॉट्स जल्द से जल्द मिल जाए और कैसे हम बुक कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि रिलीफ देने वाली खबर निकल के आई है कि जिनके भी स्लॉट्स जो हैं बुकिंग नहीं हो रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा समय मिल रहा है, तो उन लोगों को अब जल्द से जल्द स्लॉट बुक हो पाएंगे। साथ ही साथ उनको जो टाइम इतना ज़्यादा मिल रहा था, जैसे कि 30 डेज़, 20 डेज़, 15 डेज़, तो मिनिमम आप मैक्सिमम 45, 60, 90 डेज़ के बाद में आपको डेट टाइम मिल रहा था अपॉइंटमेंट का। तो अब आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत ही कम इंतज़ार आपको करना पड़ेगा अगर नया बनवाना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट की शिफ्ट है उसको एक बार आप इंक्रीज़ करने पर पूरा फैसला दोस्तों अब मान सकते हैं कि यहाँ पर उसको लागू ही किया जा चुका है। पूरा इस पर फैसला दोस्तों आ चुका है और इसको जल्द से जल्द आरटीओ में अब लागू कर दिया जाएगा। कुछ आरटीओ में इसके ऊपर ट्रायल भी चल रहा है दिल्ली में, आपको मान सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो उससे बीच में ही दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जैसे आप लोग कहते हैं इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आरटीओ के ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी आपसे मिस ना हो, आपके घर बैठे सारी जानकारी आपके मोबाइल पर मिलती रहें। तो सब चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ऑन ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्लॉट्स बुकिंग की प्रॉब्लम है, या कभी कभी तो आपके आरटीओ के स्लॉट्स खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, यानी कि आरटीओ अलाउ ही नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आरटीओ को भी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ट्रैक नहीं सही हो, ट्रैक की मरम्मत हो रही हो, तो वहाँ पर आरटीओ अपने स्लॉट्स को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, तो आप स्लॉट बुक ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब बुक होते रहते हैं तो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्लॉट्स ज़्यादा होंगे, उसको बढ़ाया जा रहा है। जो स्लॉट्स वहाँ पर कोविड के चलते 200-150 थे, उसे बढ़ाकर अब 350-400 कर दिया गया है लर्निंग के। जो परमानेंट लाइसेंस 100 बनते थे, अब उसको बढ़ाकर 200-250 कर दिया जाएगा, जिससे अब आप स्लॉट्स बुक कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिफ्ट भी बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो पहले शिफ्ट केवल दिन में अवेलेबल होती थी स्किल टेस्ट के लिए, वहाँ पर टेस्ट देने के लिए, अब वो रात में भी आप ट्रैक पर टेस्ट दे पाएंगे। इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि दो स्लॉट्स को और ऐड किए गए हैं। जो यहाँ पर नाइट की जो शिफ्ट होंगी स्लॉट्स की, वहाँ पर एक 5 to 7 होगी, माफ़ करिएगा, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, दो शिफ्ट वहाँ पर नाइट में भी अब होंगी स्किल टेस्ट देने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों अब संडे को भी यहाँ पर टेस्ट लेने पर पूर्णतया दोस्तों विचार चल रहा है। अगर जिस आरटीओ में स्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बुक हो रहे हैं, जिन वहाँ पर जो आप बोल सकते हो कि टाइमिंग जो है ड्यूरेशन वो काफ़ी लंबा दिया जा रहा है आवेदनकर्ताओं को, तो अब ऐसे दोस्तों आरटीओ में जो स्लॉट्स की संख्या है उसको तो बढ़ाया जाएगा, साथ साथ रविवार को भी टेस्ट लिया जा सकता है, तो आपको वहाँ पर अब कम से कम इंतज़ार करना पड़े इसीलिए। उसके अलावा जो नाइट में दोस्तों जो शिफ्ट को एड ऑन किया गया है 5 to 7, 7 to 9 PM तक, वो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो इसके लिए सहज रहेंगे, जो कन्वीनियंट रहेंगे और जो इच्छुक होंगे। बिल्कुल सभी को यह स्लॉट्स नहीं मिलेगा, जो भी अगर चाहेंगे तो वो स्लॉट्स ले सकेंगे। तो यह आप बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी ही निकल के आई है, क्योंकि अब स्लॉट्स आसानी से बुक होंगे और वहाँ पर आप अपने मन चाहे टाइमिंग पर, बहुत सारे लोग हैं जो दिन में ड्यूटी करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी वहाँ पर काम करते हैं, रोज़मर्रा अपना बिजनेस करते हैं, तो रात में अगर खाली होते हैं तो रात में भी अपनी बाइक कार को ले जाकर आरटीओ में स्किल टेस्ट आप दे पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी खबर है। इसी बात वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर करिए, और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वो फैलाइए अपने दोस्तों तक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हैं वहाँ पर। और आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर तो स्वागत है ही है। इंडिविजुअली पर्सनल बातचीत करने के लिए इंस्टाग्राम पर @technicalalokji जाकर सर्च करिए, फॉलो करिए, क्वेश्चन पूछिए। ट्विटर पर भी @technicalalokji अपने ट्वीट करिए, हमें टैग करना मत भूलिएगा @technicalalokji। आपकी सभी समस्याओं का वहाँ पर हल आपको दिया जाता रहता है सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तो सभी जगह अवेलेबल हैं, जाकर आप लोग फॉलो करें, अपने क्वेश्चन पूछें। फिलहाल यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।